झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी 5 दिवसीय दौरे पर आज रांची आएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोड़नकर, सदस्य प्रकाश जोशी और पूनम पासवान इस दौरान 3 प्रमंडलों का दौरा करेंगे। इसी क्रम में स्क्रीनिंग कमेटी संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात करेगी, जिलावार नेताओं के साथ बैठक करेगी। कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया, उसके चेयरमैन आदरणीय गिरीश चोड़नकर जी और सदस्य प्रकाश जोशी जी और पूनम पासवान जी का फिर से झारखंड दौरा का कार्यक्रम तय। इस दौरे में वे सबसे पहले पलामू प्रमंडल जाएंगे, वहां तीनों जिला के जो पार्टी नेता हैं और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी के नेता जो प्रत्याशी के रूप में आवेदन दिए हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद हजारीबाग में जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के कुछ जिले हैं, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा, वहाँ पर उन संबंधित जिला के नेताओं के बाद धनबाद उनका प्रस्थान होगा और धनबाद में वहाँ बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और गिरिडीह जिला नेताओं से मिलेंगे और 15 को गुमला, खूंटी, लोहरदगा और सिमडेगा, इन सभी जिलों। कमेटी संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का 5 दिवसीय दौरा है आज। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, कांग्रेस कमेटी की, स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होने जा रही है, दौरा है 5 दिवसीय, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल पूरी कमर कस ली है और अब जब चुनावी मैदान में उतरना है तो तमाम वैसे तैयारी जो पार्टी के स्तर से की जाती है वो तमाम तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती है वो खास तौर पे कि किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों का चयन, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी दिशा में सभी राजनीतिक दल आगे बढ़ रही है। खास तौर पे अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के द्वारा प्रत्येक विधानसभावार जो है दो दो पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त किए गए हैं। वो पर्यवेक्षक आज सभी वो पर्यवेक्षक अपने ग्राउंड स्तर पर जाएंगे, बूथ कमेटी प्रमंडल स्तर के नेताओं के साथ रायशुमारी करेंगे और वैसे 3 प्रत्याशियों का जो संभावित प्रत्याशी होंगे उनका चयन करेंगे और वो एक सीलबंद बॉक्स में जो है वो प्रदेश कमेटी को वो सौंपेंगे, जिसके बाद वो जो सीलबंद बॉक्स होगा वो फिर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा, उसके बाद उम्मीदवारों का चयन होगा। तो इस दिशा में जो है बीजेपी जो है वो काम कर रही है ताकि शॉर्टलिस्ट करके जो उम्मीदवारों का चयन जो है वो किया जा सके, तो इस पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। खास तौर पर उन पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी है कि शॉर्टलिस्ट करके 3 नाम प्रदेश कमेटी को देना है। उसके बाद आज की गतिविधियां में ये एक है, दूसरी बात है कि भाजपा की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो दिल्ली में है, जिसमें प्रदेश स्तर के तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद होंगे और आगामी 20 सितंबर से जिस तरह से परिवर्तन महारैली का जो आयोजन किया जाना है उसमें उसको लेकर के रायशुमारी की जाएगी कि उस परिवर्तन महारैली को किस तरीका से जो है किया जाना है, क्योंकि प्रमंडल वार जो है वो विधान जो महारैली जो है आयोजित की जाएगी तो उसमें ये दीपक, भी जानकारी दीपक, कल कांग्रेस की भी बैठक हुई थी और दिल्ली में और आज बीजेपी भी बैठक करने वाली है दिल्ली में। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने बैठक की थी और देखिए आज बीजेपी बैठक करने वाली, क्या लगता है क्या सीट शेयरिंग भी एक मुद्दा हो सकता है, प्रत्याशी तो मुद्दा है ही, क्या कहेंगे आप? हमने कहा कि एक तो गठबंधन में सीट शेयरिंग, दूसरा उम्मीदवारों का चयन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी दिशा में सभी राजनीतिक दल जो है वो काम कर रही है। पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं वो शॉर्टलिस्ट करके प्रदेश कमेटी को देगी, फिर वह कमेटी जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को देगी, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन होगा। दूसरी बात है कि सीट शेयरिंग, तो सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा होगी और बीजेपी की जो आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित है उस बैठक में आगामी जो कार्यक्रम जो निर्धारित की गई है भाजपा के द्वारा झारखंड प्रदेश में प्रमंडल वार जो है वो परिवर्तन महारैली का आयोजन किया जाना है तो उसको लेकर के रायशुमारी की जाएगी कि किस तरीके से वो परमंडल वाइज
जो महारैली परिवर्तन महारैली का आयोजन किया जाना है, और उस जो जानकारी निकल कर ये भी सामने आ रहे हैं कि जो बड़े स्तर के जो नेता है भाजपा के, चाहे उसमें गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो ऐसे बड़े चेहरे जो है वो भी उस परिवर्तन महारैली में जो है वो शामिल हो सकते हैं, तो ऐसी जानकारी निकल कर आ रही। तो उसी को लेकर के दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो की जा रही है, आज उसके लिए समय निर्धारित है, तो आज बैठक होगी और उस बैठक में तमाम चीज़ों पर खासतौर पर जो चर्चा है वो की जाएगी कि परिवर्तन महारैली को किस तरीके से मजबूती के साथ प्रमंडल वाइज जो है वो किया जाना है और किया जाएगा, जिसका फलाफल नतीजा जो है वो बीजेपी को मिल सके। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो भी 5 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं, और वो संभावित जो उम्मीदवार है जो कि 3 प्रमंडल पर जो है अभी वो स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो रायशुमारी करेंगे, खास तौर पे जो संभावित प्रत्याशी है उनसे मुलाकात करेंगे, और ये भी जो स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम आ रही है वो भी जो आ रही है, तो जो कैंडिडेट का जो चयन किया जाना है, कौन कौन से विधानसभा में कौन कौन से कैंडिडेट को उतारा जाएगा, कौन प्रबल मजबूती के साथ प्रबल दावेदारी पेश कर सकता है और चुनाव जो है वो जीत सकता है, तो वैसे कैंडिडेट का चयन को लेकर के ये स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो आज झारखंड में आएगी और 5 दिनों तक जो है 3 प्रमंडल पर वो दौरा करेगी और संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात करेगी, बातचीत करेगी, और जिस तरीके से पार्टी का जो अपना स्ट्रेटजी होता है कि किस स्तर किस तरह से जो है वो कैंडिडेट का चयन किया जाना है, चाहे बूथ स्तर पर सर्वे करा करके, मंडल स्तर पर सर्वे करा करके, कैंडिडेट से बातचीत करके, वो तमाम चीज़ों को करते हुए जो है वो प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, तो उसी दिशा में जो है वो कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, तो ऐसे में प्रत्याशियों का चयन होना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चयन हो जाएगा उसके बाद सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला को तय किया जाना है, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो सभी राजनीतिक दलों के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि प्रत्याशियों का जो शॉर्टलिस्ट है, चूंकि एक एक विधानसभा में कई कई उम्मीदवारों ने अपने जो आवेदन है वो दिए हैं, तो वैसे में शॉर्टलिस्ट करके किसी एक नाम को ही जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, तो वैसे में कौन सबसे मजबूत और उम्मीदवार होगा जिसे चुनाव में उतारने से वो जीत जो है वो हासिल हो किया जा सके और वो कांग्रेस के या फिर बीजेपी के झोली में जो वो सीट जो है आ सके, तो इसी को लेकर के कांग्रेस भी अपने स्तर से तमाम तरह की तो तैयारी है में जुटी हुई है, और वहीं बीजेपी भी जो है इसी तैयारी में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि जो शॉर्टलिस्ट जो 3 नाम बीजेपी के आते हैं उनमें कौन कौन से नाम होते हैं और उम्मीदवार के तौर पे किसे जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व आगे करती है, वहीं कांग्रेस के तरफ से भी जो लिस्ट जो आवेदन मंगाए गए थे उसमें कौन कौन से नाम है वो तो है, लेकिन उसके बाद जो आगे की जो जो कार्रवाई होगी और उसमें कौन कौन से कैंडिडेट को चुनावी मैदान में किस किस विधानसभा सीट से उतारा जाएगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के सभी राजनीतिक दल जो है वो पूरी मजबूती से काम कर रही है। अब आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन से विधानसभा बार जो है बिल्कुल दीपक, अब आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सी जगहों से कौन कौन सी पार्टियों ने किस किस उम्मीदवारों को उतारा है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टी अपनी एड़ी चोटी की दम लगा रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है, फिलहाल अब चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।